आपड़ो राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देवली उनियारा कांड को लेकर सरकार को क्लीन चिट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सरकार को दी क्लीन चिट। राठौड़ ने कहा सरकार का काम ही नहीं था, चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, घटनाक्रम उस समय हुआ चुनाव के दौरान परिसर निर्वाचन आयोग के संरक्षण में होता है। घटना के बाद राज्य सरकार ने तत्काल कदम उठाए हैं, समाज में उत्पन्न असंतोष को सरकार ने काबू किया, सरकार ने शांति कायम करने का प्रयास किया। ये बड़ी खबर आपके सामने। सरकार का काम ही नहीं था, वास्तव में ये चुनाव निर्वाचन आयोग का था। उस समय क्या वो परिसर निर्वाचन आयोग के संरक्षण में होता है, तो निर्वाचन आयोग ने भी काम किया है, सरकार ने भी जो तत्परता दिखाती दिखानी चाहिए थी वो दिखाई भी है, मुझे उनको गिरफ्तार भी किया है और वहाँ शांति कायम करने का भी प्रयास किया। और हम सब ये भी प्रयास करेंगे कि वहाँ किसी की कोई मकान की क्षति हुई है उसके बारे में एक बार परीक्षण करवा देंगे और जो कुछ भी मदद हो सकती है हम करेंगे। विष्णु मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर बन गए हैं। विष्णु, जिस तरह से बयान सामने आए, हालांकि माहौल तो चुनावी माहौल था, चुनाव आयोग पूरी तरह से नजर बनाए हुआ था, लेकिन क्या ये पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है? सही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद समरावता का जो घटना हुई वो फिलहाल ठंड हो गई है, लेकिन राजनीति में जो बयानबाजी है वो सियासत के जो गर्मा रही है उसके कारण, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज जो बयान दिया है। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज जो बयान दिया है वो एक तरह से सरकार को पूरी तरह क्लीन सीट दे दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग के परिसर अधीन ही होते हैं तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे में सरकार का केवल जो घटनाक्रम हुआ समरावता वहां तत्काल काबू में किया, असंतोष हुआ समाज में उसको काबू में कर लिया, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम है उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। जो नरेश मीणा आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो निर्दोष होंगे अगर जामीन जहां पर ये घटनाक्रम हुआ जिनके नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी सरकार भरपाई करेगी, यानी उन्होंने एक तरह से जो आक्रोशित समाज है उसको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस मामले में सियासत वो है वो अभी भी जारी रहेगी। जी ठीक, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। तो मेरे सहयोगी ने हम जानकारी साझा की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का ये भी बयान सामने आया, कहा कि समरावता कांड में निर्दोष लोगों की क्षति की करेंगे भरपाई। पाली दौरे के दौरान समरावता कांड को लेकर ये तमाम बातें कही और कहा कि सरकार ने शांति कायम करने का प्रयास किया, मकानों में हुई क्षति का एक बार परीक्षण करवा देंगे। राठौड़ ने कहा निर्दोष लोगों की जो भी मदद होगी करेंगे, जिनका जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करवाएंगे, निर्दोष लोगों की क्षति हुई है सरकार उस पर विचार करेगी।